गुरुवार को खजांची चौराहे के समीप स्पोर्ट्स कॉलेज के पास ISL इंस्टीट्यूट फॉर सिंप्लीफाइड लर्निंग कोचिंग का उद्घाटन हाटा विधायक मोहन वर्मा के द्वारा किया गया। कोचिंग के डायरेक्टर कोलंबस वर्मा ने बताया कि इस कोचिंग में युवाओं को अच्छी से अच्छी सुविधा दी जाएगी। इस कोचिंग में दिल्ली के शिक्षकों द्वारा छात्र छात्राओं को शिक्षा दी जाएगी। जो बच्चे अधिक पैसा खर्च करके एवं अपने घर से दूर दिल्ली, मुंबई, गुजरात, इलाहाबाद जाकर अपनी पढ़ाई की तैयारी करते हैं, वो अपने पूर्वांचल में ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि इस कोचिंग में चाहे अमीर या गरीब छात्र हों, सभी को एक समान शिक्षा दी जाएगी। अगर जो गरीब छात्र हैं उसकी कैपेसिटी 70,000 देने की जगह 20 देने की है, तो वो तब भी उसकी तैयारी पूरी कराई जाएगी। इस कोचिंग में नीट, मेडिकल फाउंडेशन कोर्स और एडवांस कोर्स की तैयारी कराई जाएगी। इस अवसर पर मैनेजर दीपांशु श्रीवास्तव, फाउंडर डॉक्टर बलबीर सिंह, डॉक्टर मनीषा सिन्हा मौजूद थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ISL इंस्टीट्यूट फॉर सिंप्लीफाइड लर्निंग कोचिंग के डायरेक्टर कोलंबस वर्मा ने कहा, किसानी करते थे, तो हमने वो लाइफ जो देखी है ना, मतलब ऐसी लाइफ जो कि मतलब मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो होते हैं वैसे लाइफ सर्वाइव करते हैं। मतलब उनके पास रहता नहीं है, वो हो सकता है दिल्ली, कोटा या बड़ी कोचिंग जो होती है उसमें जाने की क्षमता नहीं होती है। उनके मदर फादर कभी कभी पूरी कोशिश करते हैं, मतलब पैसा दे देते हैं एक बार इकट्ठा करके, लेकिन अगर एक बार में नहीं हुआ तो फिर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि फिर वो डिजास्टर हो जाता है उनके फैमिली के लिए। क्योंकि एक बार सारी 1.5-2 लाख रुपये फीस अगर दे दिया और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो अगले साल का क्या। तो उसी चीज़ को फुलफिल करने के लिए जो उन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, मैं अपनी एजुकेशन सिस्टम जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में कर रहा था तो मैं वहाँ पर फिर UPSC सिविल सर्विसेज का भी प्रिपरेशन किया हूँ। मतलब मैंने अपनी लाइफ टाइम दे दी, एक वही एग्जाम है जिसको मैंने क्वालिफाई नहीं किया। सर इस कोचिंग का उद्देश्य तो, हाँ तो कोचिंग का उद्देश्य वही है, जो विज़न डेवलप हुआ, जो इंस्पिरेशन डेवलप हुआ वही हुआ कि ऐसे बच्चों की नीड्स को फुलफिल करना है, बेटर करना है। जो जिनके पास कैपेबिलिटी तो होती है करने की, वो ड्रीम भी देखते हैं। जैसे ये नीट की कोचिंग है, नीट हमने अभी स्टार्ट किया है, तो इसमें मेडिकल की कोचिंग है, मतलब डॉक्टर बनाना है। जिनको डॉक्टर बनना है फ्यूचर में, लेकिन कैपेबिलिटी है, थिंकिंग भी है, थॉट भी है, ड्रीम है, लेकिन
या तो सही कोचिंग नहीं मिल पा रही है, क्योंकि कोचिंग में क्वालिटी अब डाउनग्रेड हो गई है, लोकल जगह पे क्वालिटी डाउनग्रेड हो जाती है। अगर दो तीन कोचिंग चल रही है, डाउनग्रेड हुई तो उनके पास ऑप्शन नहीं बचता है, और दूसरा होता है कि उनके पास पैसे कम होते हैं। तो हमारी कोचिंग का उद्देश्य यही है कि मतलब वैसे स्टूडेंट्स की स्पेसिफिकली जो नीड्स है उसको फुलफिल करना, मतलब पूरी करना। इसीलिए हमने अलग से कंसेशन स्पेशली दिया है कि EWS और BPL कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्पेशल कंसेशन दिया जाएगा। हमने उसमें मेंशन नहीं किया क्योंकि हम वो बात करेंगे तब पता चलेगा किसको कितनी रिक्वायरमेंट है। सर, जो बाहर बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, क्या नहीं सुनाई नहीं दिया, क्या बोला आपने? बाहर में जो बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए उनके लिए क्या करेंगे? जो बाहर में बच्चे जाते हैं उन्हीं के लिए हम यहाँ पे क्वालिटी, जब हमारे पास बच्चे आएंगे हम उनको क्वालिटी एजुकेशन देंगे, उनको मतलब सिलेक्शन देते हैं हम प्रॉपर, और उनको ये लगता है कि नहीं ये मतलब जो यहाँ पे जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है, जो कोचिंग का उद्देश्य है, जैसे हमने जो प्रॉमिस किया है वो फुलफिल हो रहा है, तो वो अदर लोगों को बोलेंगे, क्योंकि हमें बच्चे मिलेंगे तभी हम बोल पाएंगे कि हम क्वालिटी दे रहे हैं। बच्चे नहीं रहेंगे जब तक, तब तक हम पता नहीं चलेगा कि हमारी क्वालिटी क्या है। तो रोकने के लिए उनको हम डायरेक्ट ऐसे नहीं रोक सकते कि तुम जाओ नहीं भाई, हैं, हम किसी को नहीं रोक सकते, उसको जाना है तो जाएगा, नहीं जाना है तो नहीं जाएगा। लेकिन हम अपनी कोशिश करेंगे कि बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन देंगे तो एक बच्चे से दूसरा बच्चा जो होगा वो स्प्रेड करेगा इन्फॉर्मेशन। तो हो सकता है कि एक दो साल तीन साल लग जाए, लेकिन हम जो जो पलायन है ना, जो कोटा की तरह लोग जाते हैं, दिल्ली जाते हैं और कहीं स्पेशली जो सेंटर्स बने हुए हैं वहाँ पर जाने से मतलब, क्योंकि वहाँ खर्च बहुत है, जाने के लिए खर्च बहुत है और अपने घर से डिस्टेंस बहुत बढ़ जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो तब हम रोक सकते हैं। पूरी कोशिश है हमारी क्वालिटी एजुकेशन देने की, जो कोटा या दिल्ली जैसी जगह मिलती है उससे बेस्ट क्वालिटी या उस जैसी क्वालिटी हम यहाँ प्रोवाइड करना चाहते हैं। जो गरीब कैटेगरी के छात्र हैं उनके लिए क्या सुविधा? गरीब कैटेगरी के छात्रों के लिए हमने मतलब सारी फैसिलिटी तो सबके लिए है, जो भी बच्चा आएगा सबके लिए सेम फैसिलिटी है, लेकिन गरीब छात्रों के लिए सबसे प्रॉब्लम होती है फीस की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम गरीबों के लिए फीस की होती है कि भाई हम इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, जो भी 60-70 हज़ार 80 हज़ार या फाउंडेशन कोर्स का है, 1-1.5 लाख 2 लाख जो भी है। तो हमारा उनका मेरा उद्देश्य उनके लिए वही है कि वो जो भी गार्जियन आएगा हम उसकी कैपेबिलिटी को देखेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसे बोल दें तो फिर हमारा इंस्टीट्यूशन रन नहीं कर पाएगा। हमें बेसिक मिनिमम नीड तो चाहिए, टीचर्स के लिए चाहिए, हम डेली से टीचर बुला रहे हैं जो भी, तो उनको बेसिक मिनिमम नीड चाहिए। हम वहाँ से छोड़ के आए हैं प्रोफेसर या अदर साइंटिस्ट की जॉब, तो हमको बेसिक मिनिमम नीड चाहिए यहाँ पर रहने के लिए और सर्वाइव करने के लिए। उसके अलावा कैपेसिटी जितनी भी होगी, 70 हज़ार की जगह अगर उनकी कैपेसिटी 20 हज़ार देने की है तो भी हम पढ़ा देंगे बच्चों को। ये है गरीबों के लिए, इसीलिए हमने कहा EWS और BPL के लिए कि वो बच्चे आएंगे, गार्जियन आएंगे, बात करेंगे, हम बात करने के बेसिस पे उनको जितना मतलब हो सकता है पॉसिबिलिटी रहेगी कि इतने में हम कर सकते हैं हम कर देंगे। किस चीज़ की तैयारी कराइए सर यहाँ? अभी फिलहाल हम नीट मेडिकल की तैयारी कराएंगे, इसमें तीनों मतलब फाउंडेशन कोर्स और एडवांस कोर्स, मतलब जो करेंट ईयर में एग्जाम देंगे नीट मेडिकल का, और टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाएंगे। नेक्स्ट ईयर का पर्पज़ है कि हम इसको एक्सपेंड करेंगे IIT JEE वाला भी, लेकिन स्टार्टिंग हमने इससे की है।